आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, जिसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसा आपको मालूम है कि स्पोकिंग बोलने के लिए आवश्यक है कि आपकी वोकैबुलरी भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इसलिए आज मैं आपको 151 एक ऐसे वर्ड लेके आया हूँ जो आपको बहुत ही जरूरत पड़ती होगी इन वर्ड्स की। तो आज का टॉपिक जो है 151 हाउस होल्ड आइटम वर्ड्स हैं। इसमें एक ऐसे वर्डों को शामिल किया गया है जो आपको गृहस्थी से संबंधित होते हैं, और आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो बहुत ही अच्छा है। किचन आइटम वर्ड्स, यानी कि आज जो हम पढ़ेंगे वो रसोई में जो वर्ड आप जो वस्तुएं आप देखते हैं उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं। आप यूज जरूर करते होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कि उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं। आज उसी की बारी है, जिनको आप जब यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। जैसे कि सबसे पहले जो मैं आपको वर्ड बताने जा रहा हूँ वो है टी स्ट्रेनर। टी स्ट्रेनर, टी स्ट्रेनर यानी कि चाय की छन्नी, चाय की छन्नी। इसे हम अपनी भाषा में कैसे यूज कर सकते हैं कि आई हैव बॉट अ टी स्ट्रेनर फ्रॉम फेयर, आई हैव बॉट टी स्ट्रेनर फ्रॉम फेयर फ्रॉम मार्केट, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो पहला वर्ड आपका पूर्ण हो जाता है टी स्ट्रेनर, चाय की छन्नी, जिसे आप नियमित जीवन में आप रेगुलरली प्योर एंड श्योर यूज करते होंगे। ऐसा है ही नहीं कि आप उसका यूज ना करते हो। दूसरा वर्ड आता है आपका सीप को कहते हैं छलनी या आटा छानने की छलनी, आटा छानने की छलनी को सीप कहते हैं। और इसे आप यूज कर सकते हैं कि हैव यू सीन सीप, क्या तुमने छलनी देखी है, हैव यू सीन सीप, क्या तुमने छलनी देखी है। इस प्रकार से तीसरा वाक्य आपका आता है टॉम, टॉम भी होता है चिमटा। ऑलवेज यूज टॉम टू गेट टू कैच हीट या हॉट अटेंशन, ओके, या वर्ड लगा सकते हैं गर्म के लिए। और एक और सेंटेंस आप इसका यूज कर सकते हैं, व्हाई डिड यू थ्रो टॉम, व्हाई डिड यू थ्रो टॉम, तुमने टॉम क्यों फेंक दिया। इसी प्रकार से और लगा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ऑलवेज यूज टॉम टू कैच हीट अटेंसिल या वर्ण अटेंसिल, गर्म बर्तनों को पकड़ने के लिए आप चिमटे का प्रयोग करिए। चौथी नंबर पर आता है स्टोव, स्टोव भी होता है चूल्हा, चूल्हे के भी कई रूप होते हैं, जिसे हम गैस चूल्हा कहते हैं, तेल वाला और काफी होते हैं। इसको यूज कैसे करेंगे, देखिए वर्न स्टोव एंड पुट वाटर फॉर बॉइलिंग, वर्न स्टोव एंड पुट वाटर फॉर बॉइलिंग, यानी कि उसको गर्म करने, पानी को गर्म करने को उसमें रख। अगला देखते हैं
नंबर पर जो आएगा वो आएगा आपका पैसा। और एक और इसके वर्ड आता है ओखली, छठवां वर्ड जो होता है। दोनों को, पहले को पैसल को मूसली कहते हैं, मोटर को ओखली कहते हैं, दोनों साथ ही यूज होते हैं, बगैर एक के आप काम नहीं चला सकते हैं, ओखली और मूसली। तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, गिव मी मोटर एंड पैसल, गिव मी मोटर एंड पैसल बिकॉज आई वांट टू ग्राइंड जिंगर, बिकॉज आई वांट टू ग्राइंड जिंगर, क्योंकि मैं अदरक को पीसना चाहता हूँ, इसलिए मुझे पैसल और मोटर दे दो। पैसल एंड मोटर यानी कि मूसली और ओखली, इसे आप काफी यूज करते होंगे, काफी बार आपका उपयोग होता होगा। अब इसके बाद आता है कैसे यूज कर सकते हैं, ऑलवेज क्लीन योर ग्रेट ऑफ स्टोव टाइम टू टाइम, ऑलवेज क्लीन योर ग्रेट ऑफ स्टोव टाइम टू टाइम। अपने चूल्हे की जाली को वक्त वक्त पर बार बार क्या करते रहिए, साफ करते रहिए, टाइम टू टाइम यानी कि समय समय पर साफ करते रहिए। इसके बाद एट पॉइंट पे आएंगे रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर को ऐसे तो अपन लोग फ्रिज कह देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए उसे हिंदी में तो उसे प्रशीतक कहा जाता है, प्रशीतक। इसे हम यूज कैसे करेंगे, देखिए रेफ्रिजरेटर को वी शुड कीप फूड इन फ्रिज फॉर रिफ्रेश, वी शुड कीप फूड इन फ्रिज फॉर रिफ्रेश यदि फ्रेश। इस प्रकार से आठ आपके सेंटेंस हो गए हैं, बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही मजेदार। अगले और वाक्य हैं, अगला पॉइंट आता है आपका रोलिंग पिन। रोलिंग पिन को आप क्या कहते हैं, बेलन, ठीक है। और इसके साथ ही एक वर्ड और आता है बोर्ड। अब इसे कहते हैं चकला, क्या कहते हैं, चकला। इनको भी हम साथ में यूज करेंगे, रोलिंग पिन एंड पेस्ट्री बोर्ड। तो कैसे करेंगे, गिव मी रोलिंग पिन एंड पेस्ट्री बोर्ड, गिव मी रोलिंग पिन एंड पेस्ट्री बोर्ड फॉर रोलिंग ब्रेड, रोटी बेलने के लिए मुझे रोलिंग पिन और पेस्ट्री बोर्ड दे दो, गिव मी, है ना। और भी वर्ड बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये अकेला आप कहें, लेकिन रोलिंग पिन और पेस्ट्री बोर्ड आप कहेंगे कि अगर मान लीजिए कहीं दूर रखा हुआ है, गिव आपको गिव मी नहीं कहना शुरू में, तो आप कह सकते हैं रोलिंग पिन दीजिए, तो फिर धीरे धीरे गिव मी रोलिंग पिन कहते रहेंगे, तो आपका जो स्पीड है वो बढ़ता चला जाएगा और आप यूज करते चले जाएंगे। इस प्रकार से अगला पॉइंट 11th पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, 11th पॉइंट है आपका सौसा।
सॉसर्स, सॉसर्स यूज होता है दस्तरी, ऐसे लगा देंगे दस्तरिया हो जाएगा दस्तरी। इसको बनाना भी बड़ा सिंपल है, आप या तो कह सकते हैं गिव मी या प्लेट या गिव मी सॉसर्स, या फिर नहीं कहना है आप कह सकते हैं वाश दीज सॉसर्स, इन प्लेटों को साफ कर दो, इन तस्तरियों को साफ कर दीजिए, सॉसर्स यानी कि इन तस्तरियों को साफ कर दीजिए। बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अगली ओर करते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं केतल और हिंदी में कहते हैं केतली। इसको सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे, देखिए कीप या पुट टी इनटू कैट, कीप और पुट टी इनटू कैटल सो दैट इट मे नॉट बी कोल्ड, सो दैट इट मे नॉट बी कोल्ड, ये ठंडी ना हो जाए, ये ठंडी ना हो सके या ठंडी ना हो पाए, इसका प्रयोग कर देते हैं। अब 11 पॉइंट की ओर का चलते हैं, तो आएगा है आपका बहुत ही बेहतरीन वर्ड क्यू, ईंधन। अब ईंधन को कैसे यूज करेंगे, वी शुड यूज क्यू केयरफुली बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल एंड वैल्यूएबल मैटर। हमें फ्यूल को बड़ी सावधानी से यूज करना चाहिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है, या हम कह सकते हैं वी शुड यूज फ्यूल बिकॉज इट इज वर्नेबल, क्योंकि यह ज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए हमें इसका प्रयोग आसानी में बहुत सावधानी से करना चाहिए। 14 पॉइंट पे आएंगे तो आएगा फनल, फनल यूज होता है कि इसको कैसे यूज करेंगे, वी शुड यूज फनल, वी शुड यूज फनल टू पुट ऑयल इनटू स्टोव इनटू लालटेन, इस प्रकार से वी शुड यूज फनल टू पुट इनटू पुट ऑयल इनटू स्टोव, और इसी में जान डालने के लिए यानी कि हमें तेल डालने के लिए स्टोव में या कहीं भी हमें क्या यूज करना चाहिए, फनल यानी कि कीप का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो ये फैल सकता है। अगली ओर बढ़ते हैं, अगला है आपका टोस्टर, टोस्टर को कह सकते हैं, टोस्टर ही कहते हैं लेकिन हम कह सकते हैं कि रोटी यानी कि ब्रेड सेकने वाला यंत्र, इसे हम प्रयोग करेंगे ऑन द टोस्टर, ऑन द टोस्टर बटन लगाना, बटन लगा दीजिए, ऑन द टोस्टर कर देंगे यानी टोस्टर को चला दो, बिकॉज आई वांट टोस्ट या ब्रेक, आई वांट ब्रेक ब्रेड इन टोस्टर, आई वांट ब्रेक ब्रेड इन टोस्टर, आई वांट ब्रेक ब्रेड इन टोस्टर, सीधा सीधा है ऑन द टोस्टर, ऑन द टोस्टर। कैलेंडर यूज होता है फल इत्यादि जो होते हैं धोने का छत्रित पात्र, फल इत्यादि धोने का छत्रित पात्र, यानी कि इसमें एक ऐसी टोकरी जैसी होती है, इसमें छिद्र भी होते हैं, प्लास्टिक की भी होती है, तांबे की भी होती है, सब प्रकार की होती है, स्टील की भी होती है। यूज कैसे करेंगे, पुट योर फ्रूट्स इन कैलेंडर फॉर वॉशिंग, पुट योर फ्रूट्स इन कैलेंडर फॉर वॉशिंग, तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। 16 वर्ड आपके हो गए हैं, आगे देखते हैं 17 वर्ड की ओर आएंगे, तो आता है डिशवाशर,
डिशवाशर होता है बर्तन धोने का बर्तन धोने का पात्र। इसको भी यूज बड़ा ही आसानी से कर सकते हैं कि वी शुड वॉश और अटेंशन इजिली इन डिशवाशर। वी शुड वॉश और अटेंशन इन डिशवाशर, या फिर इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, पुट योर अटेंशन इन डिशवाशर फॉर वॉशिंग, पुट योर अटेंशन इन डिशवाशर फॉर वॉशिंग। इस प्रकार से 17 के बाद आपका नंबर आता है 18 का नंबर आता है, जिसमें कि आपका बनता है ब्लेंडर। मिक्सी भी कह सकते हैं, ब्लेंडर है ना, ब्लेंडर या सम्मिश्रक या मिक्सी भी इसे कहा जाता है। तो इसे हम यूज कैसे करेंगे अपने शब्दों में, ये भी देख लीजिए। वी यूज ब्लेंडर, वी यूज ब्लेंडर टू ग्राइंड स्पाइसेस, इन मसालों को क्या करने के लिए, मिक्स करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए हमें इधर का प्रयोग है। टू ग्राइंड स्पेशल गिव बिकॉज आई वांट स्पाइसेस। 19.5 आता है क्रीम। क्रीम क्या होता है, क्रीम द पास्ता ढक्कन वाला कहते हैं, या बाल्टी का कह सकते हैं। तो फिर कैसे करेंगे इसको, बढ़िया से समझ सकें कि वी शुड कीप आवर फूड इन टरी। वी शुड कीप आवर फूड इन टरी, हमें अपने फूड यानी भोजन को बंद पात्र में रखना चाहिए या बंद ढक्कन वाले पात्र में रखना चाहिए। फ्राइंग पैन यानी कि क्या करने वाले, भूजने वाला एक पात्र होता है ना, जिसे हम जिसमें तलने वाला पात्र कह सकते हैं, तखाई कह सकते हैं। गिव मी फ्राइंग पैन, I want to fry spices. Give me frying pan. I want to fry spices. मुझे frying pan दे दो, मैं मसाले भूनना चाहता हूँ। इस प्रकार से 20 हो गए। 20 के बाद लास्ट नंबर आपका जो आता है वो देख लीजिए। We should always drink water of pitcher. इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैं आपको 3-4 बार बोल के बता रहा हूँ, आप भी 2-3-4-5 बार बोल करके आप जब बार बार इसको बोलेंगे तो आपके दिमाग में चढ़ जाएगा, आपकी जुबान पे आ जाएगा और आप इंग्लिश वर्डों का प्रयोग करने लगेंगे। आज मैंने आपको किचन आइटम वर्ड बताए हैं, 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट किचन आइटम वर्ड। इसकी एक श्रृंखला और मैं लेके आऊँगा, क्योंकि किचन में बहुत से वर्ड होते हैं। और 151 की यह हाउस होल्ड श्रृंखला है, जिसमें आप ऐसे ऐसे वर्ड देखेंगे जो आप घर में देखते हैं लेकिन उनका प्रयोग करना नहीं जानते हैं। इसका प्रयोग करके आप बहुत बहुत अच्छी तरह से अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी इज द पावर ऑफ स्पोकन इंग्लिश, इट इज ट्रू। सो फिर नेक्स्ट वीक फिर आपसे मिलेंगे और अच्छे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ, और ये सब्जेक्ट तो इंटरेस्टिंग है ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।